पिज्जा चीज बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हमने एक किलो फुल क्रीम दूध लिया है। इसको एक पतीले में भगोने में डाल देंगे और इधर हमने चूल्हा जला रखा है, इसी पर हम रख देंगे इसको। ये फुल क्रीम दूध है और इसके इसको हमें गर्म नहीं, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करना है जितना हाथ बर्दाश्त कर सके और ना इस पर छाली जमना चाहिए। दूध को हमें पूरा खौलाना नहीं है, ना इसमें छाली जमने देना है और इसको ऐसे उंगलियों से चेक करते रहना है कि ज़्यादा गर्म, हमें बस उंगली बर्दाश्त करने लायक दूध गर्म होना चाहिए। वैसे तो चीज़ बहुत जगह मिलता है और बहुत जगह नहीं मिलता है, जैसे कि हम लोग के यहाँ चीज़ नहीं मिलता है। अगर पिज़्ज़ा बनाने का आपका मन करेगा तो चीज़ नहीं मिलेगा, तो हम आपको घर पे आसान तरीक़ा से बताएंगे चीज़ बनाना। एक तो घर पे बनाएंगे वो प्योर होगा और दूसरा कि सस्ता होगा और एकदम आसान तरीका है। तो चलते हैं बना देने। दूध को हम गर्म कर देते हैं और इसको दो तीन बार ज़रूर चेक करेंगे आप कि ये ज़्यादा गर्म नहीं हो और ना इस पर साड़ी जमना चाहिए। ये देखिए इस तरह से साड़ी भी नहीं जमना चाहिए इस पर। तो ये देखिए हमारा दूध गर्म हो गया है, मतलब उतना ही हमें गर्म करना है कि जितना इसमें उंगली बर्दाश्त करे, देखिए उतना ही गर्म करना है। तो दूध हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम विनेगर डालेंगे। इसमें हम 2 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे, ये देखिए। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो और भी डाल सकते हैं, ये दूध के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डालना होता है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और चारों तरफ चलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे इसको और इसको चलाते रहेंगे। इसमें देख रहे होंगे आप, ये देखिए इसमें दाना दाना बनना शुरू हो गया है, दूध फटने लगा है। ये इसमें दाना दाना जैसा आ गया है, देखिए दाना दाना होने लगा है, यानी कि हमारा दूध फटने लगा है। तो इसमें और हम डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और इसको चलाते रहेंगे। ये जब तक बढ़िया से नहीं फट जाए, ये जब तक बढ़िया से हमारा दूध नहीं फट जाए, पानी एक तरफ, जिस तरह हम पनीर बनाते हैं पानी फट जाता है, पानी एक तरफ हो जाता है और छेना एक तरफ हो जाता है, उसी तरह एक तरफ इसको फट जाना चाहिए, तब तक हम इसको चलाएंगे और विनेगर डालते रहेंगे। ये देखिए हमने एक ढक्कन लिया था और ये फटा नहीं है, तो और भी हम आधा ढक्कन ले देते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा हम डालते रहेंगे, देखिए बढ़िया तरह से फट गया है दूध और इसका पानी अलग अलग हो गया है। अगर आपका ये चीज़ नहीं फटता है, यानी कि छेना नहीं फटता है, तो आप, हम इसमें 2 ढक्कन डाले हैं इससे, और उसके बाद अगर ये नहीं फटेगा तो आप इस पर थोड़ा सा आग पे रख दें इसको एक मिनट के लिए। अब इसको हम छान लेते हैं, देखिए कॉटन का कपड़ा हम लिए हैं और एक छन्नी लिए हैं इस तरह से, और इसको हम बढ़िया से निचोड़ के इसका पानी निकालेंगे। दबा दबा के हमें पानी निकालना है, इसका पानी पूरा ही निकाल देना है। ये देखिए हम बढ़िया से इसका पानी निचोड़ दिए हैं, ये देखिए अब इसे हाथों से निचोड़ेंगे पानी इसका।
ये देखिए हाथों से भी हम बढ़िया से इसको निचोड़ दिए हैं। इस तरह से पानी निकलने के बाद हम यहाँ पे दिए है कटोरी में, ये गर्म पानी है, इसमें हम डाल देंगे इसको, और इसमें भी हम घुमा घुमा के और फिर इसको पानी इसमें से निकालेंगे ताकि जो अंदर विनेगर है वो भी निकल जाएगा। इसको इसमें से डालते रहेंगे और इसको ऐसे चारों तरफ से मिलाते रहेंगे। ये देखिए पहले वाला जो पहले हम कपड़े से निचोड़े थे दूध इसमें का या पानी, वो देखिए किस तरह का कलर हुआ है, और जब हम गर्म पानी में इसको डाले हैं तो अभी भी इसका दूध इसमें बचा हुआ है वो निकल रहा है अभी भी। ये देखिए अभी से ही थोड़ा सा ये चिपचिपा होने लगा है, अब इसको हम गोल बना देंगे। अब इसको हम ठंडा पानी में डाल देंगे और फिर इसको एक दो बार निचोड़ देंगे। अब देखिए इस तरह से हमने इसको गोल बना लिया है। अब इसको हम पट्टी में, ये आपके पास रैपिंग वाली पन्नी आती है वो भी, उसमें भी रख सकते हैं, और इस तरह से इसको मोड़ के आप 2-3 घंटा फ्रिज में रख दें। उसके बाद इसका मोजरेला चीज़ आपको हम घिस के दिखाएंगे। ये देखिए हम मोजरेला चीज़ को फ्रिज से बाहर निकाल दिए हैं। हम तो वैसे इसको रात भर रखे थे, अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको 2-3 घंटे में भी निकाल सकते हैं, और आपको घिस के हम दिखा रहे हैं कि वो चीज़ कैसा बना है। Thank you.